अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां हर घर तिरंगा अभियान का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा होर्डिंग्स, स्टिकर व तिरंगे लगाकर आम जनता को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी और यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार दिलीप तिवारी मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य संस्थानों में पहुंचे और छात्र छात्राओं से झंडा अभियान के साथ साथ उनकी समस्याओं को सुना। छात्राओं ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर तिरंगा रैली निकाली तथा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा हर घर तिरंगा और होर्डिंग लगाकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के संबंध में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक निशा मिश्रा और सूबेदार दिलीप तिवारी ने क्या कहा। ये आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ को लेकर हमारी भारत सरकार और हमारे देश ने हर घर तिरंगा की एक योजना बनाई है, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको मनाया जा रहा है, जिसको लेके हमारे शहर में और जहाँ जहाँ हमने कॉलेजों में विज़िट किया है वहाँ लेके बच्चियों में लोगों में काफ़ी उत्साह है। मेरा भी सभी से यही आग्रह है, निवेदन है कि हर घर तिरंगा लहराएं। इसी बात को लेके हमने यहाँ कॉलेज फैकल्टी से और बच्चियों से चर्चा की और इन तक ये मैसेज पहुँचाया। कुछ समस्याओं को लेके भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह समस्याएं आ रही हैं। हाँ, हमने बच्चियों से पूछा कि कॉलेज में आने जाने में इनको किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है गेट के बाहर या फिर आते समय रास्ते में कोई भी आवारा तत्व या लड़के कोई परेशानी हो तो हमें अपनी समस्या से अवगत कराएं, परंतु अभी तो बच्चियों के द्वारा इस तरह की कोई शिकायत हमें नहीं दी गई है। ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो हमारा अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा, इसके तहत हम लोग काफ़ी संख्या में स्कूलों में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, देशभक्ति के प्रति जज्बा पैदा करें। इसी उद्देश्य से आज हम ये GDC कॉलेज आए थे, जिसमें हमने लड़कियों से बात की।